अस्सलाम वालेकुम साईं दर पे ईद मुबारक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामत रहिए साईं दर खैर मुबारक। जनाब इसके सूरत इब्राहिम के मुताबिक मुमकिन इवन कुर्बान करने और हर घर में इस सोई मौज बेन च सही क्या कुर्बान माज तजदीश ने बेशक तो हम सवाल छु बजा हमेशा छु गुणमत औरत पर्दा होती है और पर्दे को हमेशा पर्दे में ही रहना चाहिए। अगर माज गोड़ा बेहतर अफजल तरीके लड़के ले जाएं घर के जो भी मर्द हजरात हैं वो ले जाएं। खातून से कतन इजाजत ये माज घर पर घर डोर टू डोर बोगरानस इसलिए बेहतर अफजल यह है कि अपने खवातीन को पर्दे में ही रखें तो माज बोगरा मर्द हजरा। ब्या सवाल सोन इस कुर्बान कर कलर पाचान या उजड़ी वगैरह डूम वारे वारे नाले वाले मैं वारस मैं हमेशा इस्लाम दुम सफाई तो सुथरा खुद अरस तुम्हें पाकूल निसफुल ईमान यह तहारत निसफ ईमान इसलिए कर बह गुजारिश तमाम यमो न्यूज क्रोन के हवाले यमिस तम यह कत वा कल हिर अमाल बेहतरीन अख माज अम जायज यह गल पाल ये तल कजन क्या करान असल पा खेन या गि तहर सी बगरा अमिश तमाम यम चीज गई वत पे त्रा ये मुसलमान तकलीफ वा हदीस रसूल फरमो अल मुस्लिमो मन सलिम मुस्लिमों सानी व यदि मुसलमान सूंद अथ तो जे सी रोज ब्या मुसलमान हिफाजत मं सलामती सान इसलिए अगर तुम कंस तमो चीजों से तकलीफ वादनो आप गुनागार हो जाओगे। दोम चीज हमो कौर गवि अत मं मसल अली हजरत अजीम मरतबत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमत अल्लाह फरमान दोम चीज मकरू इसलिए गो बेहतर तो अफजल अगर तुम ये तुन इसी पानी में न डाला जाए कहीं इस ऐसी जगह जहाँ पे कुत्तों का जमा होना पाया जाए वहाँ इसको ना छोड़े या तरीक अहम सो दफन करें कुछ जाए ये कह मोजी जानवर अत नबर कर नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट कर आप कुत्तों को खिला सकते हो या किसी और को खिला सकते हो। बेहतर यह कि सान तरीक सान तरफ गंसी मुसलमान ब्या सवाल लास्ट सान तरफ अख सवाल कुर्बान माज यह हेको पीटित और यह हेको पे आज नो रवाज द्रमुत पे अलग अलग वैराटीज बना सो हर इस्लामी शरीयती कहीं तहाल इनकार जो भी आप चाहो डिश बनाना सुन कम तरीके बनाओ कुर्बान माजस कहीं पर इनकार किसी आलम दीन ने नहीं किया है बल्कि पत्थाओ ने मिहाल यह वारिया कालस के पन्ने खातर अयाल खातर तथ तो इजाजत तुम झीटि तुम हूँ बाकी चीज बन यम तुम वैराटी बनाने जिस तरह आप किसी और गोश्त को कर सकते हो उस तरह आप इस गोश्त को भी कर सकते हो अच्छा इस्लाम का नुमाइंद कर अलबत् कुछ लोग सालों साल रखते हैं ऐसे ही जमा उनके लिए मेरी गुजारिश है कि ये खाने की चीज है इसको इतनी देर तक रखना क्या जरूरत आपको चाहिए कि जितनी देर में ये खत्म हो जाए तब तक खा सकते हो खाने में कोई हर्ज नहीं और लिखा है उलमा ने अगर क्या तस्काल से था हाल जमा फरमाइश होगी। शुक्रिया ये थे हमारे साथ फिरदौस साहब जिन्होंने उम्मत मुस्लिमों को यही हिदायत दिया ताकि इस पे अमल किया जाए। आप अब रहा सवाल ये कि ईद हमें मनानी कैसी है तो शायद इस बात के लिए मैं सारे उम्मत मुस्लिमा से मुखातब होकर कह रहा हूँ कि ईद गैसे बिल्कुल सादगी सान मनावी अत ईद हिंदिस मौकस पे गैसे हमेशा गरीबन गुरबान मिस्किन मंडन पत्थर पेमतन हूँ ख्याल यून थान तिकाज तु सारी चुम कत नश बाखबर किसी के पास आज पैसा नहीं होगा किसी के पास आज अपने औलादों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं होंगे तो आपके औलादों को देख कर आपके औलादों की वो सारी खुशियों को देख कर किसी गरीब का दिल टूट जाएगा। इसलिए सादगी से ही हमेशा ईद को करें ईद को निभाएं ये खुशी का पैगाम है सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए। हम अदना खादिम हैं तहरीक सौतलिया जम्मू कश्मीर के तमाम उम्मत मुस्लिमा से हमारी गुजारिश है कि ईद को सादगी से मनाएं और अपने बच्चों को उतना ही दें जितना आपकी वसत है ताकि गरीब गुरबा लोग अपनी ईद को भी अच्छी तरह से मना सकें। सारे से सान तरफ गुजारिश इन ईद हिंदिस मौकस पे टास त्रा कह नसन कह गु शरी तौर पर आप हजूर अलैहिस्सलाम का किरदार और गुफ्तार देखो और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो यही तहरीक सौतलिया जम्मू कश्मीर का हमेशा से मामूर रहा है ताकि सारे लोग वैसी ईद मनाए जैसे हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने और उनके सहाबा किराम ने मनाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।